हमरा भाग्य तो हमरे पैदा हुए से पहले ही लिख दिया गया था। माई के पेट में मोहर लगाई दी थी हमरे हाथ में। हमका ये समझे में थोड़ा समय लगा कि ये मोहर का मतलब का होत, पर अब हमका अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमका ये जख्म का ठीक करेगा, क्योंकि आजादगंज के जख्म का ठीक करेगा। हमका आकाश तक उड़ान भरेगा, हमका अपने पैरों का जोर दिखाएगा, हमका पीछे मुड़ कर गफौना ही देखेगा है। जब तक हम उड़ान भरकर चंदू जी तक नहीं पहुँचे, तब तक हम वो राक्षस कमल नारायण राजवंशी के सामने नहीं खड़े हो सकत हैं। दौड़ चकुरिया दौड़, एफ आर फोकस एफ आर फेव। दस बरस हो गए हमका प्राण उठाई के, अब कौनो मुश्किल कौनो बाधा हमका रोक नहीं सकता है। चार मिनट, नॉट बैड। रिकॉर्ड 3:42 है। सर अर्जुन सर, हम अपने लक्ष्य से और कितना दूर है? बोलिए ना अर्जुन सर। अब तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो चकोर, और कल तुम पहली बार जूनियर लेवल से निकलकर सीनियर मैराथन में हिस्सा लोगी। हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही तुम इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे, आजाद कर जा सको। अब तुम नंगे पैर नहीं, जूते पहनकर दौड़ोगी। कितना अच्छा सैंडविच बनाया भाग्य दीदी, जादू है उनका हाथ में। तुमने सुना हमने क्या कहा? ये प्रोफेशनल मैराथन है, और इसमें तुम नंगे पैर नहीं, जूते पहन के दौड़ोगी, क्योंकि इन जख्मों के साथ दौड़ना तो दूर, चल भी नहीं पाओगे, समझे तुम? जखम हमका याद दिलावत हमरे आजाद गंज मा हमरे माई बापू की, इमली दादी और बाकी सब, उनकी आत्मा पे और भी जखम लगी। लेकिन चकोर सर, आपने बहुत सालों तक हमरे जख्मों पे मलहम लगाया है सर अर्जुन सर, पर अब हमका आपके मलहम की जरूरत नहीं। अपने नन्ही चकोरिया के पांव बहुत मजबूत कर दिए, अब वो अपने पैरों पे खड़ी हो ही सकत। अब आप किसी और चकोरिया को उड़े के लिए तैयार करो और हमका जाने दो। अब हम अकेले उड़ान भरे को तैयार है।
थैंक यू अर्जुन सर। ये तुम क्या कह रही हो चकोर? मतलब तुम हमें छोड़ के चली जाओगी? और आपके पैर की मिट्टी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप चकोर को अकेले कैसे भेज सकते हैं? इतना बड़ा शहर है, अकेले कैसे रहेगी वो वहाँ? कौन उसकी देखभाल करेगा? यही प्रकृति का नियम है भाग्य। चिड़िया का बच्चा भी घोंसले में तभी तक रहता है जब तक उसके परों में उड़ने की ताकत नहीं आ जाती। हमारी चकोर भी 10 साल तक हमारे पास रही और इन 10 सालों में उसने एक ही सपना देखा है, आजादगंज की आजादी। जो सपना देखते देखते वो बड़ी हुई है, उसे साकार करने का वक्त आ गया है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आंखों में, चुटकी में उजाले बांधे हैं, खुशबू के ठिकाने बाहों में। फिर से नहीं सोई चकोर? आखिर तुम रात भर सोती क्यों नहीं हो? अगर तुम आराम नहीं करोगी तो मैराथन कैसे दौड़ोगी? अरे भाग्य दीदी, हम आप तो बोले ना, हमको नींद नहीं आवत है। इतने दिनों में आपको कौन फर्क आवत है? इतने से थे जब अर्जुन सर हमका लेके आई, अब 10 साल हो गए हैं और हम कितने बड़े हो गए। अच्छा बाबा ठीक है, हमें माफ कर दो। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हारे लिए सारी चीजें बनाई हैं, ये तुम रखो, इसमें तुम्हारी सारी फेवरेट चीज है। सैंडविच, लड्डू। भाग्या दीदी, आपके हाथों में जादू है। हम कितने भी दूर चले जाए पर ये खाने की सुगंध हमेशा हमारे संग रही है। मैं पैक कर देती हूँ। प्रोफेशनल रेसिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन होता है। डोंट टेक इट लाइटली।
वैसे तो तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन हमने जो कुछ सिखाया है उसको हमेशा दिमाग में रखना। जी फॉर गोल, एफ फॉर फोकस, ऑलवेज रिमेम्बर। वैसे चकोर, प्लान शुरू कहां से करना है इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? हाँ, सोच लिया। क्या? लखनऊ। गुड। चकोर, ये कुछ पैसे है, रख लो, काम आएंगे। आज्ञा दीदी। सर, अर्जुन सर की आदत सच में कम हुई गई है। सर, आप भूल गए का, हम कभो किसी से पैसे नहीं लेते। चकोर, देखो जिद मत करो, पैसे रख लो, पैसे काम आएंगे। ये भाग्या दीदी, हमारे पास पैसे हैं। 10 साल से इसी दिन के लिए तो जमा करी है। अरे लेकिन अर्जुन। भाग्या, रहने दो, हमने तुमसे कहा था ना वो पैसे नहीं लेंगे। दौड़ की टाइमिंग इम्प्रूव करने के अलावा उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो आज भी वैसी की वैसी है, जिद्दी। लेकिन चकोर, हमसे वादा करो, जैसे ही तुम्हारे पैसे खत्म होते तुम हमें फोन करोगे, ओके? हम वादा करी है कि हम फोन जरूर करेंगे। अब हमका चलना चाहिए। हाँ, चलो, चलो। अब नहीं, आप दोनों बाहर नहीं चलो, वरना हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। हम चलते हैं यहीं से। चकोर, एक सेकंड। इन्हें हमेशा अपने पास रख, तुम्हारी रक्षा करेंगे। थैंक यू सर, अर्जुन सर। चकोर, याद रहे, उड़ान उड़ान। डाक बाबा का आशीर्वाद है, इका हमेशा अपने संग रखियो।
सिंह भैया जी की। ये सोना गरीबों में और बस्ती वालों में बांट। भैया जी की जय। 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 कमल नारायण जी बहुत बहुत बधाई हो, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? हम अपनी सरकार के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है। हम आप लोगों को और सरकार को आश्वासन देना चाहते हैं कि आज तक हम जिस निष्ठा और ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे और अपनी पूरी शक्ति जो है जनता के विकास में लगाएंगे। भैया जी की। 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 हमारे लिए अपशगुन है। बधाई की हकदार तो आप हैं, हमने तो सिर्फ इलेक्शन लड़ा है, जीत तो आपकी हुई है। राम सिंह, इस हवेली की असली मालकिन हमारी धर्मपत्नी कहाँ? जरा हट जाइए, मालकिन आ रही। मंत्री बनने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। आपकी जीत पर हम बहुत खुश हैं। ये सब आपके प्रेम और प्रार्थना का चमत्कार है। आप जब से हमारे जीवन में आई हैं बस उन्नति ही उन्नति है। आप हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। आप बातें ऐसी करते हैं कि हम शर्मा जाते हैं। इसमें शर्माना क्या, बस दिल की बात जबान पर आ। अच्छा ठीक है, अब आप बातें ही करते रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। राम सिंह, बस दीवारों को संभाले। कारे की सरवा, इस सोना की तरफ तो टुकर का देखा था। तुम्हारे भाग्य में एक ही इतना ही लिखा है, चलो। क्या बात करें राम सिंह भैया, मालिक तो खुद ही बोले रहे। और हमका जो मालिक बोल रहे वो का होई? अच्छा राम सिंह भैया, थोड़ा प्रसाद का हलवा तो दे दो ना, सुबह से भूखे प्यासे खड़े हैं यहाँ हम। सवन देंगे कान के नीचे, खिलाए हलवा। जितना मिलना था वो मिल चुका है, अब चलो। कहाँ मिला है राम सिंह भैया, कहाँ मिला है ये तोहार?
हथेली में का चमक रहा मोहर, यही तो है मालिक का इनाम। फिर मिल गई छोरी भाई, तने से पीछा चुराना तो बहुत मुश्किल काम से। बहुत बदल गई तू तो, पर मैंने तेरी मोहर देख के तनो पहचान लिया। यो मोहर तो एक ही लड़की के हाथों पे थी, तो चकोरी है ना तू? तो हमका पहचान गई, पर हम तो का नहीं पहचान गई। पहचान लेगी छोरी, जब मैं तने रेस में हरावांगी। जब से तने मुझे ऐसे आए से निकलवाया है ना, तब से मेरा एक ही सपना था, तने हराना। ए छोरी, कुसुम नाम है मेरा। छोरी, मैं तने जीतने ना दूंगी। तू तो अब भी नहीं बदली, फिर कौन बात में? जैसे तोहरा एक को ही सपना है हमका हराएगा, वैसे हमरा भी एक को ही सपना है, हर एक रेस जीतेगा। देखते हैं आज के का सपना सच हुई, चकोर का या कुसुम का। कृपया करके स्टार्ट मार्क पर आ जाइए, लखनऊ मैराथन रेस अभी शुरू होने वाली है। के भी हो जाए, इस चोरी ने हराना है चोरियों के, समझे? चलो फिर।
कोई चीज को हासिल करने के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं होती। नहीं तो पीछे रह जाएगी। जख्म से हमका कच्चू नहीं हुआ है, जख्मों से तो हमारी पुरानी दोस्ती है। जब भी हमका ऐसी चोट लागत है ना, हमका याद दिलावत है कि हमका कहां पहुंचेगा।
रनर नंबर 501 से दरख्वास्त है कि वो प्लीज स्टेज पर आए और अपनी ट्रॉफी और नकद इनाम हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर मनोज भाटिया जी से रिसीव करें। रनर नंबर 501 से दरख्वास्त है कि वो प्लीज स्टेज पर आए। रनर नंबर 501, रनर नंबर 501 प्लीज आगे आइए। आप उसका नाम लेकर क्यों नहीं बुला रहे हैं? 501 का नाम है क्या? सर उसने अपना नाम लिखा है नहीं, देखिए लिस्ट में नाम है ही नहीं। मैराथन हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीतने वाला अपना इनाम लेने ही नहीं पहुंचा। विनर जिसका नंबर है 501 अचानक से कहीं गायब हो गई। किसी को ना उसका नाम मालूम है और ना ही उसका पता। अगर हमें कुछ भी पता है उसके बारे में तो वो है सिर्फ उसका नंबर 501। ये जीत मेरी घर आने का पहला कदम है। अरे काकी फाइल आ गई। अरे छगनदा हम किशोरी को काढ़ा दे रहे, ठीक है उसकी तबीयत अब? अरे काकी एकदम ठीक है, अभी कोनो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हम चलते हैं, राम राम। कस्तूरिया तू 5 कोस चल के गई रही, ये पानी लाए को दे यहां। हाँ तो काहे नहीं जाते, अगर 10 कोस भी जायका पड़ी तो ठीक है ना, बाकी के गांव वाले भी तो करते हैं। अरे तू समझत काहे नहीं है, अब बस्ती के लोगों में और हम लोगों में अंतर हुई है। हमारी हालत पहले जैसी ना ही रह गई। देख अब हमारे घर में वो पानी को ठंडा करे की मशीन है, फ्रिज। अरे इके अंदर हम बोतल में पानी भर के रख सकत है, तो कोई इतनी मेहनत करे की कोनो जरूरत नहीं है। इमली है ना, वो मेहनत करी है हमारे लिए, सारा ऐसो आराम का सामान लेके आई है। तुमको और कुछ भी चाहिए ना तो वो सामान भी ले आई है। हाँ का बोले रहे चकोरिया के बापू, इमली का करी है? महिनर भैया जी जो टुकड़े फेंकत है उका लेकर घर पे आवत, वो मेहनत हुई चकोरिया के बापू? इमली अपनी आत्मा बेच चुकी है, मगर हम अपनी आत्मा अभव नहीं बेचे। तू ये जली कटी बात काहे शुरू कर देते है? अरे इमली किसके लिए ये सब करत है? हमरे लिए ही ना। ये चूल्हा किसकी खातिर लाए रही? तोड़ी खाते ई ई फ्रिज ई बिछौना ई ई टीवी ई की के खातिर लाए रहे? तोड़ी खातिर, हमरी खातिर है कि नहीं? कस्तूरिया का हुई गवाए तो को हमरे परिवार के साथ कितना कछु हुई गवा तो को अभी भी लागत है कि बड़े मालिक के खिलाफ जाना चाहिए? हाँ चकोरिया की बात जायका पड़ी है भैया जी के खिलाफ, बात हम अकेले नहीं सोचत, हमरे संग और कौन हूँ भी जो ये बात सोचत। कौन है?
ढोल कौन है? अमरी चकोरिया। ए गंगा मैया, चकोरिया चकोरिया चकोरिया, अरे चली गई तोरी चकोरिया, 10 बरस पहले चली गई, 10 बरस, अब नहीं आई है वो, कभी नहीं आई है, गांठ बांध ले बाप को। आई है चकोरिया के बापू, हमारी चकोरिया जरूर वापस आए और फिर हम देखे रहे कि कौन सच तुम सबन कि हम, और ये बात तुम गांठ बांध। बताएं रंजना, जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं, हमारी जिंदगी ही बदल गई है। सच में वो सोने का खदान, ये शोहरत, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हमें मिलेगा। सब सब आप ही की वजह से हुआ है, आप ही की वजह से मिला। वैसे हमारी और आपकी सोच बहुत मिलती है कमल जी। जानते हैं, हम भी यही सोच रहे थे कि अगर हम आपकी जिंदगी में नहीं आए होते तो अनर्थ हो जाता है ना। सच कह रही हैं आप, अनर्थ ही हो जाता है, हम कहीं के नहीं रहते। एक एक मिनट, हम आपके लिए कुछ और भी लाए।
कमल नारायण हमारे देश का खेल मंत्री बनने जा रहा है, उसी दिन जिस दिन तुम्हारी मुंबई मैराथन है। सर अर्जुन सर, कमल नारायण के बारे में कोई खबर छपी और हमको बताना चाहिए, ऐसा कभी हो ही सकता है ना? जानकर खुशी हुई कि आपके पास हमारे लिए भी समय है, है? हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण दिन है, इतने सारे कपड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बहन? आशा करते हैं आप भूल नहीं गई हैं, हम खेल मंत्री नियुक्त किए गए हैं। अच्छा? कल हमारा शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण के दिन क्या कपड़ा पहन, क्या पहन है? इसीलिए आपकी इसी उलझन को सुलझाने के लिए हम यहाँ हैं। देखिए तो हम आपके लिए कितना बढ़िया सूट लेकर आए, और वैसे भी बहुत जल्द हम आमने सामने भी होंगे। कल का दिन तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा है और हमारे लिए भी। 10 बरस से इंतजार किए हैं हम इस एक दिन का। मुंबई मैराथन 501 आई रही। इस मैराथन में जीत सिर्फ हमारी होगी और कमल नारायण की हार।